राजस्थान के नेता हैं, लेकिन बीजेपी के लोग आजकल याद दिला रहे हैं कि ये तो सहारनपुर के रहने वाले हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के हैं, इनका राजस्थान से क्या लेना देना। ये जो आरोप है ये टेक्निकली तो ठीक है, बताता हूँ आपको कि मेरे स्वर्गीय पिताजी एयरफोर्स के ऑफिसर थे, तो वो पोस्टेड थे हैदराबाद में, वहाँ मेरी बहन का जन्म हुआ। वो पोस्टेड थे सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन में, वहाँ मेरा जन्म हुआ। भारतीय वायुसेना में नौकरी करते करते जहाँ जो व्यक्ति पोस्टेड होगा उसके बाल बच्चे वहीं पैदा होंगे, पहली बात तो। लेकिन जब मैं 2 साल का था, 1980 से पहले की बात है, 79, मेरे फादर चुनाव लड़े भरतपुर से, राजस्थान से एमपी बने। तो जब मैंने अपनी आँख खोली तब से मुझे इस धरती, इस मिट्टी, इस पानी से प्रेम और लगाव रहा जब मैं 2 साल का था। और मुझ पर जो आरोप लगाते हैं उनका भी इतिहास सुन लीजिए, बड़ा संक्षिप्त बताता हूँ आपको मैं। जो प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री है, 2 बार रही हैं, वो कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर पैदा हुए। वो राजस्थान कब आए? जब उनकी शादी हुई, 22-23 साल की हुई होगी। तो मैं तो प्रदेश में 2 साल का आ गया, वो 22 साल की आई, तो उनको कोई आउटसाइडर कहने को तैयार नहीं है, मुझे आउटसाइडर कह रहे हैं। और सुनिए, बहरहाल रजत जी, इंसान किसकी कोख से पैदा होगा, किस घर में जन्मेगा, किस जाति का होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर तय करता है। जन्म होने के बाद जब हम होश संभालते हैं तो मेरी सोच क्या है, मेरी भाषा क्या है, मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं करता क्या हूँ, बोलता क्या हूँ, उसके तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन ये कौन कहाँ पैदा हुआ और कौन किस जाति का है, ये इशू नहीं होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, पब्लिक जवाब देगी अपने आप। लेकिन जी का मैंने बयान देखा, वो कह रहे हैं कि मुझसे सवाल पूछने वाले बताएं उनका पीहर कहाँ है, उनके ससुराल कहाँ है। वहां मत जाइएगा, क्योंकि मैंने कुछ पूछ दिया तो फिर और दिक्कत आ जाएगी, वहां मत जाइएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये जो चुनाव है ये नाना नानी पीहर ससुराल मायके का नहीं है, ये चुनाव 7 करोड़ लोगों के भविष्य का है। कृपया करके मीडिया से मेरा निवेदन है कि जो 5 साल में लोग भुगत रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो गया, लोग वोट करके बदलाव चाहते हैं। ये आरोप बीजेपी लगाए मैं समझ सकता हूँ कि उनके पास अपने बचाने को कुछ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने त्याग तपस्या से लोगों के दिलों दिमाग में जगह बनाई है उसको कोई भी आरोप, कोई भाजपा का नेता मिटा नहीं सकता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर उस नेता की बात कर रहा हूँ जो धरातल से जुड़ा हुआ है, जो जमीन में रहकर काम करते हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, धरने दिए हैं, पदयात्रा की हैं, एक लोगों की आवाज बनकर हम उतरे हैं, उस इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, लोगों के जहन में जो भावना है, वो बदलने वाली नहीं है। क्या सेंटिमेंट है पब्लिक के मन? सेंटिमेंट ये है कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ।